आज लैंटर्न फेस्टिवल है, अगर आप दिया जला के ये वाला अगर आप विश मांगते हो तो विश पूरा हो जाता है। इंडिया काफ़ी टाइम के बाद साइकिल चला रहा हूँ। इंडिया में मैं अपने पापा का साइकिल चलाता था। अभी हम लोग जा रहे हैं कनाल की तरफ, तो मज़ा आएगा। वाओ तो ये है मेरा साइकिल और ये है मेरा हॉस्टल। तो मैंने ये साइकिल को रेंट किया है 50 रुपये में पूरे दिन के लिए। मतलब पूरे दिन के लिए आपको 50 रुपये मिल जाएगा, बट आज तो मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 7 बजे रिटर्न करना पड़ता है। और अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं अपने हॉस्टल के बाहर हूँ। तो इस तरफ मैं जा रहा हूँ जापानीज़ ब्रिज के लिए, जो मैं 2 दिन से आया हूँ, मैं जापानीज़ ब्रिज नहीं एक्सप्लोर किया हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं मास्क लगा लेता हूँ, तो रूल फॉलो कीजिएगा। तो ये है मेरा साइकिल। काफ़ी टाइम के बाद साइकिल चला रहा हूँ। इंडिया में मैं अपने पापा का साइकिल चलाता था और उसके बाद फिर 4-5 महीने मैंने साइकिल चलाया नहीं, तो आज चला रहा हूँ। और ये है मेरा साइकिल। अब इस साइकिल में मुझे राइट हैंड साइड चलाना पड़ेगा, तो यहाँ का सीन थोड़ा उल्टा है, तो लेफ्ट में नहीं चला सकता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है यहाँ के नज़ारे, क्योंकि अभी शाम ढल चुकी है। पता नहीं कहाँ से बादल आ जाता है शाम को, बादल नहीं आना चाहिए था क्योंकि धूप रहने से मज़ा आता है, बट कोई बात नहीं, अभी भी शाम होने में 2 घंटा है, तो आराम से ओल्ड टाउन घूम सकते हैं। नो बाइसिकल, नो बाइसिकल, ओके सॉरी, तो पार्किंग मना है, तो अभी साइकिल को पार्क करते कहीं पे। हाउ मच? 5000। साइकिल के लिए 5000 रुपये मांग रहा था, तो फिर मैंने बोला भैया 5000 रुपये, मतलब यहाँ का 5000 डॉग मांग रहा था। मैंने बोला भैया ऐसा कोई जुगाड़ बताओ, फिर उसने आगे बताया, तो फ्री में अभी मैंने साइकिल रखा है। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो फिर मैं क्यों 5000 दूँ, आई मीन अगर 1-2 घंटे रख सकता था तो अलग बात था। ये कुछ अमेजिंग सा जगह है, लोग बैठ के फोटो क्लिक कर रहे हैं। अच्छा ये तो कुछ मीठा है यहाँ का। तो मैं इस पतले से गली से निकलते हुए जा रहा हूँ, और एक्चुअली ओल्ड टाउन को एंशिएंट टाउन भी बोला जाता है, और यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप चाहो तो पूरा दिन यहाँ पर निकाल सकते हो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं, बट मेरे पास टाइम की किल्लत होने के कारण ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी है जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ उस जगह को मैं करूँगा। आज ज़बरदस्त भीड़ है इस जगह पे, मतलब काफ़ी ख़तरनाक। और ये है जापानीज ब्रिज, काफ़ी फेमस, लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो। आप समझ सकते हो कि भीड़ क्यों है, क्योंकि आज लैंटर्न फेस्टिवल है, फुल मून नाइट है, तो लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो ये है फेमस जापानीज़ ब्रिज, फाइनली पहुंच गया हूँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टूरिस्टी है और मुझे अच्छा लगता है कभी कभी टूरिस्टी जगह पे भी जाना, मतलब मैं जाता हूँ। तो पहले तो कोविड के पहले तो बहुत भीड़ हुआ करता था इस जगह पे, लोग आते थे फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना, बट अभी भी मैं नहीं बोलूँगा कि भीड़ कम है, भीड़ है, देखो यहाँ पे भीड़। पर अमेजिंग सा आर्किटेक्ट है ये यार, और छोटा सा कनाल है जो इस रिवर में मिक्स हो जाता है। यूट्यूब ऑल्सो, आई एम अ यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया, या सो इन्होंने अभी मुझे हेल्प किया टू टेक फोटो, सो आई एम सेइंग दैट यू गाइज हेल्प मी टू टेक फोटो हियर, थैंक यू सो मच, कम ऑन यू गाइज, थैंक यू। सो यू केम फॉर लैंटर्न फेस्टिवल? Lantern festival here? No, do you understand? You don't understand English? I don't understand. Okay. Where are you from? India. 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 No. Okay. With Kazuo in Ho Chi Minh City. Yeah. So thank you for subscribing. Even you subscribe, okay? Yeah. Even you do in your phone, okay? Thank you so much. तो इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सी यू अगेन, सी यू, नाइस मीटिंग यू।
बाय। से कुछ इस तरह का दिखता है, तो मैं अभी बाहर से यहाँ से फोटोज वगैरह लिया और ऐसे लोग यहाँ पर जिस तरह से खड़े हैं सारे के सारे फोटोज क्लिक करने के लिए। ये है मंदिर, मतलब जापानीज मंदिर है। एक्सक्यूज मी, इट्स अ चाइनीज टेम्पल और जापानीज टेम्पल? चाइनीज टेम्पल एंड जापानीज ब्रिज एंड चाइनीज टेम्पल। ओके, परफेक्ट। सो मेरी गलती है, तो ये है चाइनीज टेम्पल और वहाँ पे चाइनीज़ भगवान है और यहाँ पे सारे चाइनीज पे लिखा हुआ है। और ये ब्रिज जो है ये जापानीज ब्रिज है। ज़बरदस्त वाइब है इस टाउन का, काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। और यहाँ पे सुविनियर शॉप्स है और ये है पीछे का एंट्रेंस, तो बहुत सही है। तो मैं घूमते फिरते अपने साइकिल स्टैंड के पास आ गया हूँ, जहाँ पे मैंने साइकिल पार्क किया है। मेरा साइकिल है यहाँ पे, कहाँ गया मेरा साइकिल? हाँ, ये रहा मेरा साइकिल, यहाँ पे है। तो मुझे साइकिल 7 o'clock के पहले वापस करना है। तो काफ़ी खूबसूरत है, लोग नहीं है यहाँ पे, मस्त चाइनीज फील आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना आ गया हूँ। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का स्टैचू है अंदर, और यहाँ पे लाफिंग बुद्ध है, बहुत सही है। पर आदमी एक भी नहीं है यार इस मंदिर में, सारे के सारे भीड़ जो है ना, सारे के सारे भीड़ उस तरफ है नदी के पास में, तो यहाँ पे लोग बहुत कम है, मतलब यहाँ इस जगह पे तो है ही नहीं लोग। तो मैंने अपना बाइक डिपॉजिट कर दिया अपने हॉस्टल में, थोड़ा रेस्ट लिया, फ़ोन को और कैमरा को भी चार्ज कर लिया, तो वापस से आ गया हूँ ओल्ड टाउन में, एंशंट टाउन में। और अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज है लैंटन फेस्टिवल और अभी बज रहा है 6:47। तो मैं वीगो एंड अलीना के साथ हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं कनाल की तरफ, तो मज़ा आएगा। तो वापस से मैं आ गया हूँ जापानीज ब्रिज में और काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात को अच्छा लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा मास्क नहीं पहना है, तो मैंने भी मास्क उतार दिया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो आज मास्क उतारते हैं। भीड़ काफ़ी हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये है फेमस ब्रिज होयान का, ये है नज़ारा, लुक एट इट गाइस। हालांकि मैं दूसरी बार दिखा रहा हूँ, पर आज स्पेशल होने वाला है यहाँ पे। Which breed? Breed? Alaska. Alaska Husky? Okay. Wow. Wow. So huge. क्या मजा आ रहा है इसको देख के यार, एकदम भालू जैसा है, भालू जैसा है। Alright, come on. मैंने इतना बड़ा कुत्ता कभी नहीं देखा था, मजा आ गया। तो यहाँ पे लैंटन फेस्टिवल में इन लोग भी अपना जश्न मना रहे हैं। ये पग है और ये पता नहीं कौन सा ब्रीड है, पता नहीं क्या निकलेगा। आई फाउंड अ डॉग लाइक यू नो सुपर ह्यूज, इट वाज सम अलास्कन ब्रीड। या या यस्टरडे राइट राइट नाउ ऑल राइट, दैट्स व्हाई आई वाज आई वाज स्टॉप लाइक टू गेट सम फोटोज। या आई सॉ इट यस्टरडे, इट वाज लुक एट इट। या 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 आई रिमेंबर यू। 7 PM now. Yes, yes. तो लोग बहुत अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे। Yeah, I remember you as well. Hello, footman son. No, no, no. Right now? Not now, later. Okay, either you find me again. Okay, I will find you. Today I found you, right? Yeah, yes. So I'll find you again. So nice. 50,000 dong. Yeah. All right. Thank you. See you later. See you later. Bye. Yeah. Yeah.
तो मतलब यहाँ पे लोग अप्रोच करके, मैं समझ सकता हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी टूरिज्म खुला है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, फिर से अर्निंग करना चाहते हैं, तो सब कोई बहुत एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब सबके साथ तो मैं बोट राइड नहीं कर सकता, किसी एक के साथ ही करना पड़ेगा, तो लेट्स सी किसके साथ करता हूँ। I want to try a spring roll, but I was thinking of maybe getting one with beef in it, but I'm not sure that they have it. तो देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे खाएंगे, पर कितना पता नहीं। सेम नो सेम भिंडी का यहाँ मेरे को सीन समझ में नहीं आया अभी तक, भिंडी रखे हुए यहाँ पे, मतलब बारबेक्यू में भिंडी है। But jalapeno is like jalapeno. No, thank you. I might be wrong, but I think like jalapeno is like 40,000 or something. It depends on which type it is. I just eat like this. Chili on it? Little bit, bas. So, aa gaya mera dish. To dekhte kaisa hai. Hmm. Is it good? Thank you. So, I just think this one. This is more like a kebab. We'll buy again. वो गुस्सा कर रही है क्योंकि मैंने यहाँ से खरीदा नहीं और मैं वहाँ से लेके आया, इनके पास भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। I'll buy from you also, okay? मुझे मजा आ रहा है। What do you say? This is lemongrass. Spring onion. Okay. It could be lemongrass, yeah. As well. I don't know. What is it, lemongrass or spring onion? This is? Lemongrass. Barbecue hai, to 10,000 dong maine iska pay kiya hai, to dekhte kaisa hai. Wow. Is it good? Yeah, wow. I'm gonna try squid. It was very good, very good. 10,000 डोंग मतलब 30 रुपये के पड़ गया ये मुझे। तो मेरा स्क्विड आ चुका है और विगो थोड़ी देर पहले टेस्ट किया, सो ही रेकमेंडेड। या बट आई इवन सी दैट, या सी यू आर द फर्स्ट वन, देन फ्रॉम हर इट केम टू हिम, नाउ आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, यू नो, फ्रॉम विगो, एंड आई हैव दिस। अभी ये भी 20,000 डोंग का है, जो 60 रुपये के आसपास स्क्विड, तो देखते हैं कैसा रहता है। वाओ, आई लाइक द स्मोकी नेचर ऑफ दिस, बहुत सही है यार। तो ये हमारा बोट है, तो फाइनली बोट पे आ चुके हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हाउ टू यू कैन पास। तो कहा जाता है कि फुल मून फेस्टिवल के दिन, जो आज लैंड फेस्टिवल है, अगर आप दिया जला के ये वाला अगर आप विश मांगते हो तो विश पूरा हो जाता है। देयर यू गो, थैंक यू। तो कुछ ना कुछ विश मांगेंगे, पूरा हुआ कि नहीं उसका गारंटी नहीं है। थैंक यू। सो ये है जो हम नदी में डालेंगे, तो काफी अच्छा दिख रहा है। सही लग रहा है यार ये दिया, अमेजिंग सा फीलिंग है यार। वाओ, दिस इज द ब्रिज। तो आ गया ये अनोखा और सबसे एक्साइटिंग ब्रिज यहाँ का। दिस इज इजियर, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। अब टाइम आ चुका है इसको डालने का नदी में और विश मांगने का, तो देयर यू गो। सायोनारा। सही नज़ारे हैं, और ये वो रोड है जहाँ से आप वॉक करके आते हो, और उस पीछे की तरफ ब्रिज है। खतरनाक टनल है ये भाई, अच्छा राइड था 50,000 डोंग के हिसाब से स्पेशल डे में, तो बहुत बढ़िया। कमाल। तो हो गया हमारा राइड, काफ़ी मज़ेदार था, मज़ा आ गया। तो आप कभी भी होयान में हो तो बिल्कुल ट्राई करो, अनोखा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाएगा।
ये है वो एरिया जहाँ से मैंने बोट लिया था ब्रिज के पास में। तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे पूछते हो तो आप किसी से भी कर सकते हो, प्राइस सेम है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 50,000 रुपये लगता है, 50,000 डोंग लगता है।